नमस्कार, आई एम इंजीनियर पी के तिवारी। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इंटरफेस पाइथन विद माई एस क्यू एल। इन प्रीवियस वीडियोज आई हैव एक्सप्लेन सम पार्ट्स ऑफ इंटरफेस पाइथन विद माई एस क्यू एल, सम पार्ट्स आर लेफ्ट। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन पैरामीटराइज क्वेरीज। हम कैसे पैरामीटराइज क्वेरी दे सकते हैं, पैरामीटराइज क्वेरी भी यूज कर सकते हैं पाइथन में। तो कैसे करते हैं देखिए। तो क्या है पैरामीटराइज क्वेरीज? समटाइम्स वी मे नीड टू रन क्वेरीज व्हिच आर बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स और वैल्यूज दैट वी प्रोवाइड फ्रॉम आउटसाइड। फॉर एग्जांपल, पी इज इक्वल टू 90। अब यहां पर क्या लिखा, पी इज इक्वल 90, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट हुएर पी इज मोर देन, हुएर एम इज मोर देन पी। तो ये पी इज में आएगा। तो सच क्वेरीज आर कॉल्ड पैरामीटराइज क्वेरीज। टू एग्जीक्यूट पैरामीटराइज क्वेरीज इन अ माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर कनेक्शन, वी नीड टू फॉर्म एसक्यूएल क्वेरी स्ट्रिंग्स। तो हम क्या करेंगे, एसक्यूएल क्वेरी स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, एसक्यूएल क्वेरी स्ट्रिंग क्रिएट करके काम करेंगे। दैट इंक्लूड वैल्यूज ऑफ पैरामीटर्स। तो कैसे हम फॉर्म करेंगे, तो फॉर्मिंग क्वेरी स्ट्रिंग, कैसे हम क्वेरी स्ट्रिंग फॉर्म करेंगे? तो दो मेथड्स हैं, एक ओल्ड मेथड, एक न्यू मेथड, दोनों हमने बताया है। तो देखिए, टू फॉर्म क्वेरी स्ट्रिंग्स बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स वी कैन यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। दो मेथड हैं, एक ओल्ड मेथड है यानी परसेंट साइन से, एक है कर्ली ब्रेसेस से। दोनों चलते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। देखिए, तो क्या है, स्ट्रिंग टेम्पलेट्स विद परसेंट फॉर्मेटिंग, ओल्ड मेथड। इन दिस स्टाइल स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूजेस दिस जनरल फॉर्म एफ परसेंट वी, वेयर एफ इज अ टेम्पलेट स्ट्रिंग एंड बी स्पेसिफाई द वैल्यू और वैल्यूज टू बी फॉर्मेटेड यूजिंग दैट टेम्पलेट। इफ मल्टीपल वैल्यूज आर टू बी फॉर्मेटेड वी मस्ट बी अ टपल। अगर एक ज्यादा वैल्यू देनी है तो बी क्या हो जाएगा, टपल हो जाएगा, पैरेंथेसिस के अंदर हो जाएगा। फॉर दिस वी कैन राइट द एसक्यूएल क्वेरी इन अ स्ट्रिंग बट यूज अ परसेंट एस कोड इन प्लेस ऑफ द वैल्यू टू बी प्रोवाइडेड एज अ पैरामीटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट हुएर एम इज मोर देन परसेंट एस। ये अधूरा है, जरूरत भी जो अभी पूरी बात नहीं लिखी गई, पैरामीटर नहीं आया है। द अबव स्ट्रिंग इज एन इनकम्प्लीट स्ट्रिंग, ओनली एफ नो परसेंट बी हियर, यानी एफ दिया गया है लेकिन वैल्यू नहीं दी गई, केवल अभी एफ दिया गया यानी टेम्पलेट दिया गया है, वैल्यू नहीं दी गई। एज इट कंटेन्स अ प्लेस होल्डर फॉर पैरामीटर एज परसेंट कोड बट इट्स पैरामीटर वैल्यू इन इज नॉट प्रोवाइडेड हियर। टू कंप्लीट इट वी मस्ट प्रोवाइड अ टपल ऑफ वैल्यूज विद परसेंट प्रीफिक्सेस। तो पार्सल लगेगा उससे पहले, जब टपल देंगे टू इट नेक्स्ट टू स्ट्रिंग कॉल द वैल्यू टपल परसेंट वी। फॉर एग्जांपल, इफ वी वांट टू प्रोवाइड वैल्यू 95 वैल्यू परसेंट एस प्लेस होल्डर इन अबव क्वेरी स्ट्रिंग, वी कैन फॉर्म द वैल्यू टपल एज फॉलोज। तो टपल एक वैल्यू रहती है तो टपल में क्या करते हैं, याद करिए कि हम ब्रैकेट में जब देते हैं वैल्यू तो एक वैल्यू है तो वो टपल नहीं माना जाएगा, तो एक कॉमा लगा देते हैं, वैल्यू कॉमा, तब बंद करते हैं ब्रैकेट। इससे क्या होता है, तो कंप्यूटर समझ जाता है कि टपल है। अगर एक वैल्यू देंगे तो वो टपल नहीं होगा, एक सिंगल वैल्यू मानी जाएगी, वो टपल नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, जैसे 90 कॉमा फिर ब्रैकेट बंद करेंगे। नाउ वी कैन कंप्लीट द अबव एसक्यूएल क्वेरी स्ट्रिंग। अब जो यहाँ लिखी थी उसको कैसे कंप्लीट करेंगे, देखिए इस तरह करेंगे, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एम इज मोर देन परसेंट एस,
ये क्या हो गया, f हो गया, यानी हमारा टपल हो गया और टम्पलेट हो गया, और फिर ये क्या हो गया परसेंट ब्रैकेट के अंदर 90 कॉमा ब्रैकेट क्लोज, तो ये क्या हो गया हमारा टपल हो गया। तो वी कैन स्टोर दिस क्वेरी स्ट्रिंग इन वेरिएबल, किसी वेरिएबल में इसको स्टोर कर देंगे एंड द एग्जीक्यूट दैट वेरिएबल थ्रू एग्जीक्यूट फंक्शन एज। अब इसका एक हमने छोटा सा एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाया है, तो देखिए इम्पोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर एज एसक्यूएल पाई कॉन, ये क्या है अलियास नेम है, इसकी जगह हम ये यूज कर लेंगे जहां जरूरत है, अगर ये नहीं देंगे एज करके तो माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर लिखना पड़ेगा, जैसे हमने लिखा एसक्यूएल पाई कॉन, तो अगर ये नहीं देते तो ये लिखना पड़ता माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, ये बताया मैंने पिछले वीडियो में। तो देखिए क्या हो गया, अब हम बनाएंगे एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो कॉन ओबीजे इज इक्वल टू एसक्यूएल पाई कॉन डॉट कनेक्ट, अब यहां क्या होता है होस्ट होता है, तो होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट कॉमा यूजर इज इक्वल टू रूट कॉमा पास डब्ल्यू डी इज इक्वल टू कंप्यूटर कॉमा डेटाबेस इज इक्वल टू एलपीएस, ये हमने दे दिया, यानी बना लिया हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया। फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कनेक्शन हमारा हुआ या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, इफ कॉन ओबीजे डॉट इज कनेक्टेड फंक्शन लगाएंगे, इज कनेक्टेड फंक्शन लगाएंगे इज इक्वल टू फॉल्स, अगर फॉल्स है इसका कनेक्शन नहीं हुआ, तो क्या कहेंगे प्रिंट कर देंगे एरर इन पाइथन एसक्यूएल कनेक्शन, पाइथन एसक्यूएल कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है नहीं हुआ कनेक्शन, अगर नहीं तो ये प्रिंट नहीं होगा, तो समझ लीजिए कि नहीं मतलब कनेक्शन हो गया। फिर क्या बनाएंगे कर्सर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो सी यू आर ओबीजे नहीं कर्सर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कॉन ओबीजे डॉट कर्सर, कर्सर फंक्शन लगा देंगे कर्सर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम क्वेरी स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, तो क्वेरी स्ट्रिंग कैसे क्रिएट होगी देखिए एसटी इज इक्वल टू डबल कोट्स में सेलेक्ट एसटी फ्रॉम स्टूडेंट हुएर एम इज मोर देन परसेंट एस परसेंट ब्रैकेट में 90 कॉमा ब्रैकेट वन। अब क्या होगा फिर हमने क्योंकि एसटी में स्टोर कर लिया ये, तो जब यहां पर जो क्वेरी देते हैं वहां पर एसटी लिख देंगे, तो क्या होगा कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट एसटी, तो ये एसटी मतलब ये पूरा यहां आ गया। फिर डी इज इक्वल टू हम फिच ऑल करेंगे कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट डी इज इक्वल टू कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट फिच ऑल, फिच ऑल फंक्शन लगा देंगे तो पूरा डेटा फिच हो जाएगा और डी में स्टोर हो जाएगा। फिर लूप चला देंगे फॉर ए इन डी, तो क्या होगा एक एक लाइन आती जाएगी ए में एज टपल स्टोर होता है, तो एक एक टपल आता जाएगा और प्रिंट करते जाएंगे ए में, तो पूरा एक एक रिकॉर्ड एक एक रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा, एक रिकॉर्ड एक टपल में जाएगा दूसरा रिकॉर्ड दूसरा ऐसा करके आएगा प्रिंट हो जाएगा। इन द सिमिलर मैनर वी मे ऐड मल्टीपल पैरामीटर वैल्यूज, हम मल्टीपल पैरामीटर वैल्यूज भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ एक एक पैरामीटर एक पैरामीटर वैल्यू है तो दो मल्टीपल भी दे सकते हैं, कैसे देंगे एस टी इज इक्वल टू सेलेक्ट एस टी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एम इज मोर देन परसेंट एस एंड सेक्शन इज इक्वल टू परसेंट एस। अब यहाँ क्या है यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू इसलिए कोर्स में नहीं है, लेकिन यहाँ क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू होगी तो इसलिए परसेंट एस को सिंगल कोट या डबल कोट में लिखेंगे, फिर डबल कोट बंद कर देंगे, फिर परसेंट 90 कॉमा सिंगल कोट ए, तो यानी क्या होगा ये पहली वैल्यू इस वाले में जाएगी और दूसरी वैल्यू इस वाले में जाएगी, तो पहली वाली वैल्यू होगी इस परसेंट एस की जगह होगी और दूसरी वाली वैल्यू इस परसेंट एस की जगह होगी, ये सिंगल कोट में है तो ये सिंगल कोट में जाएगी, तो जिस टाइप की वैल्यू होगी उस हिसाब से बंद करते हैं, तो ये हम कर सकते हैं, तो यानी मल्टीपल वैल्यूज भी दे सकते हैं। तो क्या है अल्टरनेटिवली वी कैन प्रोवाइड द टपल विद द एग्जीक्यूट फंक्शन एज, ऐसे भी हम दे सकते हैं, कैसे कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट पैरामीटराइज एसक्यूएल क्वेरी स्ट्रिंग फिर वैल्यूज टपल पैरेंथेसिस के अंदर, देखिए कैसे जैसे हम लिखा रैम इज इक्वल टू 20 आई डी इज इक्वल टू 2 और आई एन पी कोई वेरिएबल इज इक्वल टू रैम कॉमा आई डी, फिर वहाँ लिखा हमने क्यू यू ई इज इक्वल टू अपडेट कंप्यूटर सेट रैम इक्वल परसेंटेज, तो परसेंटेज का क्या मतलब क्या है पहला वाला जाएगा रैम जाएगा और की वैल्यू रैम की वैल्यू क्या है
20 जाएगी। फिर हमने कहा वेयर आई डी इज इक्वल टू परसेंट एस, तो आई डी वैल्यू क्या है 2, तो 2 चला जाएगा। तो जब हम कहेंगे कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी डॉट आई एन पी, तो ये वैल्यूज आ जाएंगे उसमें, यानी ये क्वेरी पूरी आ जाएगी यहाँ और आई एन पी में ये डेटा चला जाएगा। तो ऐसे भी हम दे सकते हैं। अब दूसरा तरीका है, नया तरीका, नया तरीका, उसमें परसेंट लगाते हैं, यहाँ कैलिब्रेशन लगाते हैं। देखिए स्ट्रिंग टेम्पलेट्स विद कर्ली ब्रेसेस फॉर्मेटिंग न्यू, द न्यू स्टाइल ऑफ क्रिएटिंग एसक्यूएल क्वेरी स्ट्रिंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ द फॉर्मेट फंक्शन। यहां क्या यूज करते हैं, फॉर्मेट फंक्शन यूज करते हैं, यूज ऑफ द फॉर्मेट फंक्शन ऑफ द एस टी आर टाइप। क्या होगा, टेम्पलेट डॉट फॉर्मेट, टेम्पलेट डॉट फॉर्मेट, और फिर क्या होगा यहाँ P1, P2, P3 ऐसे वैल्यूज होंगी, फिर कॉमा करके फिर K1 कीवर्ड वैल्यू, कीवर्ड कीवर्ड वैल्यू कॉमा कीवर्ड 2 कीवर्ड वैल्यू 2 ऐसे करके वैल्यू होंगी। तो यहाँ क्या होगा, देखिए द टेम्पलेट इज अ स्ट्रिंग कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ वन आर मोर फॉर्मेट कोड्स एम्बेडेड इन कॉन्स्टेंट टेक्स्ट, द फॉर्मेट फंक्शन यूजेज इट्स आर्ग्यूमेंट्स टू सब्स्टिट्यूट एन अप्रोप्रिएट वैल्यू फॉर ईच फॉर्मेट कोड इन द टेम्पलेट, द आर्ग्यूमेंट्स टू बी फॉर्मेट फंक्शन आर टू टाइप्स, द लिस्ट स्टार्ट विद 0 और मोर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, ले सकते पोजिशन से एक सीक्वेंस होगा पोजिशनल होगा, पी आई फॉलोड बाई 0 और मोर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ देम, के आई वी आई वेयर के आई इज अ नेम विद एन एसोसिएटेड वैल्यू वी आई। जैसे यहाँ लिखा हमने, हमने क्या लिखा, हमने लिखा वी हैव कैलिब्रेशन लगाया 0 हेक्टेयर्स प्लांटेड टू कैलिब्रेशन के अंदर 1 फॉर्म डॉट फॉर्मेट 52 ओकरा। तो क्या होगा, ये पहली वैल्यू इस यहाँ चली जाएगी और दूसरी वैल्यू इस दूसरे वाले चली जाएगी। हम ये नंबर हटा भी सकते हैं, ये नंबर हम क्या है हटा भी सकते हैं, खाली कैलिब्रेशन लगा के काम ही चल जाएगा, जरूरत नहीं है। द अबव स्ट्रिंग टेम्पलेट विल बी क्या हो जाएगी, वी है 52 हेक्टेयर प्लांटेड टू ओकरा, तो यहां 52 है, 52 है। द वैल्यूज आर पिक्ड फ्रॉम द वैल्यूज आर पिक्ड फ्रॉम द वैल्यूज टपल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बी में इवन स्किप द नंबर 01 इन कर्ली ब्रेसेस। जैसे यहां नंबर लिखा 01, ये हम उनको हटा भी सकते हैं, लिखें या ना लिखें, लिखेंगे तब भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। द वैल्यूज आर पिक्ड फ्रॉम द वैल्यूज टपल वी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वी में इवन स्किप द नंबर 01 इन कर्ली ब्रेसेस, वी कैन सप्लाई द वैल्यूज यूजिंग नेम्ड आर्ग्यूमेंट। हम नेम के, जैसे यहाँ सिकंड वर्क करेगा, ये पहली वाली जाएगी, ये दूसरे में जाली जाएगी, हम नेम्ड आर्गुमेंट भी दे सकते हैं। नेम्ड आर्गुमेंट में हम सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, जैसे इसमें सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, जो पहली वैल्यू पहले में जाएगी दूसरी वैल्यू दूसरे में जाएगी, पहली वैल्यू पहले में जाएगी और दूसरी वैल्यू दूसरे में जाएगी। तो वी कैन सप्लाई द वैल्यू यूजिंग नेम्ड आर्गुमेंट्स। जैसे यहाँ देखिए हमने लिखा कैलिब्रेस में मॉनिस्टर हैज ईटन और यहां लिखा सिटी डॉट फॉर्मेट, सिटी इक्वल टोक्यो, मॉन्स्टर इज इक्वल टू सुनामी। तो क्या होगा, ये सीक्वेंस मैंने बदल दिया, तो ये मॉन्स्टर में सुनामी जाएगा और सिटी में टोक्यो जाएगा, तो सिटी मॉन्स्टर पहले है सिटी बाद में है, तो चाहे पहले बाद में हो, क्योंकि नेम नेम्ड आर्गुमेंट दिया है तो जो नेम दिया उसकी वैल्यू उसमें चली जाएगी। इसमें सीक्वेंस हम बदल सकते हैं, जैसे फंक्शन में हम नेम आर्गुमेंट दे के चेंज कर लेते हैं, फिर सीक्वेंस बदल सकते हैं पैरामीटर का, वही कॉन्सेप्ट इसमें है। सो स्ट्रिंग जनरेटेड विल बी क्या होगी, सुनामी हैज ईटन टोक्यो,
मॉन्स्टर की क्या है सुनामी, तो सुनामी हैज़ ईटन सिटी की जगह क्या है टोक्यो आ जाएगा। बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन वी कैन क्रिएट आर एसक्यूएल क्वेरी स्ट्रिंग, ऊपर जैसे बेस्ड बताया वैसे हम एसक्यूएल क्वेरी भी बना सकते हैं। तो जैसे ये हमने बनाई थी ये एसक्यूएल क्वेरी पर्सन से, तो उसी को हम कर्ली ब्रेस से बना सकते हैं। इसी वाली यही वाली जो ये बनी हुई है इसको देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए st इज इक्वल टू सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर m इज मोर देन पहला कर्ली ब्रेस एंड सेक्शन इज इक्वल टू सेकंड कर्ली ब्रेस सिंगल कोट में, क्योंकि यहां स्ट्रिंग है सिंगल कोट में, डॉट डबल कोट में बंद कर दिया, फिर डॉट फॉर्मेट वहां सीधे फिर पर्सन लगा के वैल्यू देते हैं, तो यहां क्या होता है फंक्शन लगता है, फॉर्मेट फंक्शन लगता है, डॉट फॉर्मेट तब पैरामीटर में वैल्यू दी जाती है, वहां ऐसा नहीं होता है। तो यहां क्या हो जाएगा 90, A। तो ये जो लिखा हुआ ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट दोनों एक जैसा वर्क करेगा। जो ये हमारा परसेंट वाला फॉर्मेट है ओल्ड वर्ड स्टाइल, ये न्यू स्टाइल है कर्ली ब्रेस वाली, तो दोनों यूज कर सकते हैं। न्यू स्टाइल में हमें फॉर्मेट फंक्शन लगाना पड़ेगा, इसमें फॉर्मेट फंक्शन नहीं लगता सीधे वैल्यू आती है। तो दोनों का काम एक ही, चाहे ये यूज करो चाहे ये यूज करो, तो इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन यूज दिस, चाहे ये यूज करिए चाहे वो यूज करिए वर्क करेगा। तो जैसे यह है तो यहां भी ऐसे यूज कर सकते थे एसटी जी को सिलेक्ट एसटी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एम इज मोर देन एक कर्ली ब्रेस, फिर एक ही है, फिर यहां होता डॉट फॉर्मेट फिर अंदर 90, वैल्यू चली जाती है, ऐसे दे सकते हैं। तो ये है द अबव क्वेरी स्ट्रिंग एसटी स्टोर्स, क्या स्टोर करेगा सेलेक्ट एसटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एम इज मोर देन 90 एंड सेक्शन इज इक्वल टू ए। जैसे ये इससे ये बन जाएगा, इट विल एल्ड द सेम क्वेरी रिजल्ट एज अर्लियर, जैसे ये था वही बन जाएगा। तो हमने आज आपको पैरामीटराइज क्वेरी की बात बताई, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको बताया पैरामीटराइज क्वेरी, इसमें हमने बताया कैसे फॉर्म करते हैं क्वेरी स्ट्रिंग को, दो तरीके बताए, एक पुराना तरीका परसेंट से और दूसरा नया तरीका कर्ली ब्रेस से, और कैसे करेंगे कैसे क्वेरी बनेगी उसका एक छोटा सा एग्जांपल बताया। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर कुछ डाउट्स है कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में जाकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है उसको क्लिक करिए और ऑल कर दीजिए, इससे फायदा क्या होगा जो नए नए वीडियो आएंगे उसको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत ही आपको मिल जाएगी, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करना है वीडियो देखना है नॉलेज गेन करनी है तुरंत ही लाइक करना है, और जितने भी जानने वाले लोग हैं नियर डियर हैं फ्रेंड्स हैं उनको तुरंत ही शेयर करना है जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें, अधूरा वीडियो देखना कंफ्यूजन क्रिएट करना है, और अगर कोई चैप्टर पार्ट्स में है तो पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री करके ही वीडियो देखें जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेरीज और कैसे हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं कैसे फॉर्मेट अपडेट करते हैं सब बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।